ट्रेन में बैठोगे? यस। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है सैटरडे, इट्स इवनिंग टाइम और हम अभी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सुबह से ना काफ़ी धूप थी और हमें घर पे काफ़ी कुछ काम भी थे, लाइक रीअरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो हमने सुबह वो निपटाए और अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं घूमने। तो चलो देखते हैं कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ मैं। तो हम लोग ना पार्क आए हैं, यहाँ पे ना बहुत बड़ी लेक है जहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो हमने सोचा गोविंद को बोटिंग कराते हैं क्योंकि आजकल ना वो एक नई राइम देख रहा है जिसमें बोट चलाते हैं बच्चे, बोट 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 समथिंग, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। तो उसे देख के ना उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है और वो हमेशा कहता है कि डैडी बोट की टिकट्स बुक करा लो। तो हमने सोचा चलो आज लेके चलते हैं। We are all ready to go. हम लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट्स भी पहन ली हैं और बोट अभी हमें मिल जाएगी तो खुद राइड करके जाएंगे, बहुत मजा आएगा। गोविंद मजा आ रहा है? किस पे बैठा है? बोट में। क्या कर रहा है गोविंद? स्विम कर रहा है। स्विम कर रहा है बोट में बैठ के। ओह माय गॉड, ये एक्टिविटी इतनी फन फिल्ड थी ना, मैं बता भी नहीं सकती। स्पेशली जब आप अपने बच्चों के साथ करते हो ना और जब उनकी एज 3-4 ईयर्स होती है, जब वो समझना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को, तब तो बहुत इस पूरी एक्टिविटी में आपको मज़ा आएगा क्योंकि एक्चुअली ना वो जो रायंस में देखते हैं उस चीज़ को विजुअलाइज जब करते हैं ना तो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो गोविंद ने बहुत इन्जॉय किया और वो पूरे रास्ते यही बोल रहा था कि आज वो अपने रायंस वाले फ्रेंड को बोलेगा कि वो बोट में बैठ कर आया है और उसने बहुत इन्जॉय किया है। हम लोग ना इसी वाले पार्क में आए थे जब बच्चों की पार्क प्ले डेट हमने की थी ना, तभी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि यहाँ पे बोटिंग होती है इस लेक में और बहुत बड़ी लेक है। आई थिंक लेक के अराउंड 1.6 माइल्स का इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ पे सब लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं। तो बहुत मज़ा आया और बहुत एक्सरसाइज हो गई। तो बस ये गोविंद की आज की लास्ट एक्टिविटी है पार्क की, वो थोड़ा सा स्विंग करना चाहता था तो स्विंग कर रहा है वो अभी। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन नंबर 2 पे जो है डेवन स्ट्रीट। यस, हम लोग डेवन स्ट्रीट जाने वाले हैं, उसे मिनी इंडिया मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी इंडिया और पाकिस्तान के स्टोर्स थे। देखिए ये पटेल ब्रदर्स, ये फाउंडेशन स्टोर है, फर्स्ट पटेल ब्रदर्स यही है। सो इसी से ब्रांचेस खुली थी पटेल ब्रदर्स की। यहाँ पे ना बहुत सारे इंडिया एंड पाकिस्तानी शॉप्स हैं, देख के बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम अपना देसी फील आ गई आज तो। तो अभी हम लोग एक बर्तन के स्टोर में आए हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो ब्रांड हमारे इंडिया में आते हैं कुकर कढ़ाई कैसरोल वगैरह के, वही ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और बस एक्सप्लोर ही कर रहे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव था तो कुछ लिया नहीं। और ये क्लिप मैंने म्यूट नहीं किया, जस्ट टू शो यू कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके कानों को हॉन्किंग की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। यहाँ पे पानी पूरी खिलाने वाले हैं, जैसे हमारे इंडिया में ठेले होते हैं ना उसी तरीके से। ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ मिल जाएगा यूएस में। तो अभी हम लोग आए हैं पटेल कैफे, हमने सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर लें क्योंकि यहाँ पे खाना देख के तो सभी का मन ललचा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया है फलूदा कुल्फी और शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, बिल्कुल वहाँ पे मशीन लगाई हुई है, फ्रेश निकाल के देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पीने में। और ये फलूदा कुल्फी भी बहुत अच्छी थी। और अभी मैं गोलगप्पे खा रही हूँ जो मेरी कमज़ोरी है, अगर कोई इस तरीके से खिलाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो अंशुल ने मेरे एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया है। और उस कैफ़े के बाहर अंकल बैठे थे जो मीठा पान बना रहे थे, ये $1 का मीठा पान बना बना के खिला रहे थे और बहुत टेस्टी था।
तो अभी हम लोग और स्टोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन स्टोर्स लग रहे हैं ये। सीडीज हैं, बर्तन हैं, भगवान का सामान है, बच्चों के लिए क्रिकेट था और कैरम बोर्ड अवेलेबल था वहाँ पर, चूड़ियाँ थी, तो सब कुछ आपको एक ही स्टोर में दिख रहा था। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंट लग रहे थे ये सारे स्टोर्स देखने में। और अभी हम लोग आए हैं एक इंडियन लेडी की शॉप में, ये उमा सारी नाम का शॉप था जहाँ पे बहुत सुंदर ज्वेलरी और कपड़े थे। तो बस मैं एक्सप्लोर कर रही थी और थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इन कपड़ों का जो हम रुपए में ख़रीदते हैं इनका दाम डॉलर में देखकर, पर डेफिनेटली आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बहुत सारा कुछ खा लिया, बहुत सारी विंडो शॉपिंग कर ली और बहुत मज़ा आ रहा है। हम लेडीज़ लोगों को विंडो शॉपिंग सबसे ज़्यादा पसंद है ना। मैंने कितने सारे यहाँ पे कपड़ों की दुकानें देखी, बर्तनों के, बट आई विल से प्राइजेज ऐसे नहीं है कि बहुत सारी दुकानें हैं तो बहुत सस्ता होगा। लाइक मुझे एक घंटी चाहिए थी जो मंदिर में नहीं बजाते हम पूजा करते वक्त, वो भी जो मिनिमम प्राइस था वो $8 था। तो मैंने सोचा चलो नहीं लेते क्योंकि एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। और मैंने एक फ्यूचुरा का तवा देखा जो कि आई थिंक $25 का था ना, छोटा तवा $25 का था, तो मुझे लगा काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मतलब प्राइजेस तो ऐसे नहीं लगे कि बहुत कम हो। हाँ बट खाना बहुत सस्ता है। खाना लाइक गोलगप्पे हमने खाए $2 के 5 गोलगप्पे, जो कि यहाँ के रेट के हिसाब से काफ़ी सही है। और फलूदा कुल्फ़ी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर आप लोग भी आओ कभी डेवन स्ट्रीट पे, जो लोग शिकागो में रहते हैं, तो डेफिनेटली इस वाली शॉप पे पटेल ब्रदर्स के पास जो कैफ़े है उसमें ज़रूर आना और उनका फलूदा कुल्फ़ी ज़रूर खाना। वहाँ से निकलते निकलते मुझे एक पाकिस्तानी स्टोर दिखा जहाँ पे बहुत ही टेम्पटिंग ज्वेलरी और कपड़े थे। तो इतना ज़्यादा सुंदर स्टोर था ये कि मैं अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। मैंने भी अपने लिए वहाँ से एक पेयर इयररिंग्स का लिया जो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और बस अब हम लोग डिनर करने वाले हैं और आज हम उडुपी चूज़ किया है डिनर के लिए। साउथ इंडियन खाने का बहुत मन था तो देखिए ये रवा मसाला डोसा ऑर्डर किया है और अनियन उत्तपम, बहुत ही टेस्टी था, ऑथेंटिक लग रहा था एकदम। सांभर थोड़ा सा स्पाइसी था गोविंद के लिए तो हमने उसे चटनी के साथ खिला दिया था, अदरवाइज बहुत यम फूड था। और आज की लास्ट डेस्टिनेशन है लोयोला पार्क। ये बीच भी है, पानी अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया है कि मैं तो ना रोलिंग मोशन में हूँ अभी, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा। लेकिन खाना बहुत यम था उडुपी में। हमने रवा मसाला डोसा और अनियन उत्तपम मंगाया था तो बहुत यम लगा। और यस मैंने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, छोटी सी, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ अभी। तो बस घर हम अभी अभी लौटे हैं और मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने आज क्या लिया है। मैं ना वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टोर में गई थी जहाँ पे मुझे ना बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिली, तो मैंने अपने लिए ये इयररिंग्स लिए हैं वहाँ से। मुझे ये इयररिंग्स काफ़ी अच्छे दाम पे मिले हैं। 25 जो लेडी थी उन्होंने बोला था इसका $25, बट उन्होंने मुझे ये $10 में दे दिया, तो मुझे लगा ये $10 में तो बुरी डील नहीं है। और ये पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये थोड़े से हैवी हैं बट आई थिंक जब एथनिक वगैरह कभी कभार आप पहनो तो उसके साथ ये काफ़ी सुंदर लगेंगे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे ये मेरे इयररिंग्स। तो बस आज का दिन मेरा ऐसा ही रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया, खूब सारा खाना खाया और मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया यहाँ की ब्यूटिफुल डेवन स्ट्रीट जहाँ पे आपको इंडिया पाकिस्तान का सारा सामान मिलता है। मतलब आप वहाँ जाओगे ना तो आपको इतना ज़्यादा मन खुश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप अपने देश में आ गए। सो बहुत मज़ा किया आज हम लोगों ने और
आप लोगों के साथ मैंने ये ब्लॉग भी शेयर किया, तो होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो, बाय क्लिकिंग दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, बाय बाय।